Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Also, welcome to another video. तो आज वाला जो चैलेंज है यूट्यूब पे तो वैसे काफी सारे लोगों ने कर रखा है, बट अपना तो एज यूजुअल सबसे अलग ही होता है. तो इस बार मैंने कुछ अलग करा है. ये चैलेंज आप लोगों को ऑब्वियसली टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि ये चैलेंज है ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज. 24 घंटे के लिए ब्लाइंड फोल्ड वाला चैलेंज है. इसके अंदर ही मैंने यू नो स्पिन द व्हील रखा है, इसलिए मैं लैपटॉप लेके बैठी हूँ. इसके अंदर स्पिन द व्हील, इसके अंदर लिखी है 8, इसके अंदर डेड्स है और 4 ही सिर्फ इसके अंदर लाइफ लाइन्स है. तो मैंने इस बार लाइफ लाइन्स आधी कर दी. हर बार मैं इक्वल रखती हूँ, मतलब जितने डेड्स उतनी लाइफ लाइन्स, बट इस बार मैंने लाइफ लाइन्स आधी कर दी. मैंने कहा चलो यार चैलेंजेस को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाते हैं. तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज. तो ऑब्वियसली ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज है तो मैं ये लेके आई थी. मैं ये पट्टी है, ठीक है. आई नो आप लोग कह रहे हो कि यार ये तो पतली पट्टी है, बट ये है ना ऐसे टाइट बांधेंगे तो ऑटोमेटिकली आंखें बंद हो जाएगी, क्योंकि आंखें खोल के ऑब्वियसली कोई पट्टी बांध नहीं सकता. तो आंखें बंद करके ये पट्टी बांधेंगे एंड इसमें खुलेगी भी नहीं और पट्टी बांधेंगे मेरी मम्मा. तो मम्मी पार्शियलिटी मत करना, मैं डबल बांध दूंगी. डबल तो नहीं, सिंगल में हो जाएगा वैसे काम. तो मम्मी इसके अंदर पूरी पूरी हेल्प आपको करनी है, बट मैं चक्रा कैसे घुमाऊंगी, घूम तो जाएगा वैसे ये स्पिन द व्हील ना. तो इसके अंदर जैसे जो भी गाइस डेयर ज्यादा रहेंगे ना, अभी मॉर्निंग हो रही है, सुबह से लेके रात तक पूरा अपन स्पिन द व्हील करेंगे, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में. एंड 24 आवर्स का चैलेंज, जिसमें से 12 घंटे तो मैं सोती हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, इसलिए 12 घंटे सोती हूँ एंड बाकी 12 घंटे अपन करेंगे ये चैलेंज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो मम्मी एक सेकेंड, मैं खुद बांधने की ट्राई तो करती हूँ, मैं नहीं करूँगी पार्शियलिटी. कंप्यूटर कैसे चलेगी, लैपटॉप कैसे चलेगी? हाँ चल के चल के आस्क योर मॉम टू गिव, अच्छा आस्क योर मॉम, योर आस्क योर मॉम टू गिव यू अ डेयर. मम्मी आपको एक मेरे को डेयर देना पड़ेगा, वो भी मेरे को डेयर दो और मेरे को पट्टी बांध के वो डेयर करना पड़ेगा. मैं सोच रही हूँ कि तू फ्रिज में जो भी बोतलें खाली है उसको भर दे. भरूंगी कैसे, पर उससे कैंट से, कैंट के पास ही तो जाएगी, कैंट में दो बोतलें पक्का तो पता है, बोतल ही भरनी है ना. चलो आइडिया बता दे, चल कैसे उठेगी, लग गई तो वह यूट्यूब की वीडियो डालना बंद. चलो गाइस ये जा रही है, देखना 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 गई है. फ्रिज का है पता है क्या क्या है वो, पंखा तो चलाओ भाई. देखो गाइस देखते हैं फ्रिज, फ्रिज में डालनी है खाली बोतल का है पता है क्या, खाली बोतल इसमें तो खाली वही तो भरनी है, इसमें तो सारी भरी हुई है. ये बेड के ऊपर एक खाली बोतल पड़ी है, ले अपने आप फिर इसको कैंट से भर. ये तो मैं स्कूल नहीं जाती थी. गिरेगी इसका आइडिया तो है केंट का है. किचन में तो डोलती रहती हूँ, बढ़ गया ये लोग गाइस भाई, ठीक है ना. कैंट वापस फ्रिज में भी तो रखना है, फ्रिज में तो सही मटकी मत गिरा दे. अरे यार तेरे को तो आइडिया है इसका, मतलब भाई यार मैं इस घर में रहती हूँ, मेरे को आइडिया नहीं होगा क्या. All done. Final year completed, guys. Yay! वापस कमरे में जा, तेरे बेड के ऊपर ही कैसे जाती है देखे. ले भाई गाइस अपनी जगह पे आ चुके हैं अपन लोग वापस से, और बिना कहीं ठोकर खाए. और ऊपर थोड़ा सा, हाँ आप कर, हाँ चल क्या आया देख मैं तेरे को. गाइस इसके अंदर मेरे आया यू कांट टेक हेल्प फ्रॉम योर मॉम फॉर नेक्स्ट टू डेयर्स. मैं अगले दो डेयर के लिए मेरी मम्मी की हेल्प नहीं ले सकती, खुद से शूट करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपकी हेल्प नहीं ले सकती. और मैं खुद ही चलना, हाँ खुद ही चलाना पड़ेगा एक सेकेंड, पर पढ़ के आप बता देना. तो अरे वाह घूम गया गाइस, क्या है रुक जाए एक मिनट. You have to
यू हैव टू टर्न ऑन योर टीवी. अच्छा आई हैव टू, इसके अंदर गाइज आया आई हैव टू टर्न ऑन माई टीवी और मेरे को अपने जो भी चैनल चल रहा होगा वो चैनल नहीं, मेरे को चैनल स्विच करना है मेरे फेवरेट चैनल पे. तो मैं यूजुअली देखती तो सोनी सब हूँ. हॉल में चलते हैं, हॉल में टीवी है और वहाँ पे जाके अपना फेवरेट चैनल मेरे को लगाना पड़ेगा खुद ही रिमोट ढूंढ ढूंढा के. तो चलते हैं धीरे धीरे, पहुँच तो जाऊँगी मैं क्योंकि अभी जस्ट जाके आई हूँ हॉल में. ये तो हो गया टीवी का रिमोट और ये उसका सेटअप बॉक्स का रिमोट है डिश टीवी का, नॉट स्पॉन्सर्ड. इसके अंदर यहाँ से तो नंबर स्टार्ट है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 0 होता है. ठीक है, मेरे को जहाँ तक याद है सोनी सब का जो है वो 106 होता है शायद, मतलब जो नंबर है सोनी सब का. चालू हो गया ना, गाइज ये देख लो अभी इसके अंदर ये खुला है जो भी ये चैनल है न्यूज़ का चैनल होगा फॉर श्योर. अभी मैं ये 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैग तो करा है मैंने. तारक मेहता तो नहीं, हाँ तारक मेहता ही आ रहा है. ये अंजलि, अंजलि बोल रही है ना, पोपटलाल बोल रहा है ना, पोपटलाल की सगाई हो रही है. अच्छा अच्छा ठीक है, वो नहीं तो नहीं है वैसे. चलो गाइस लगा दिया मैंने ये डेयरी पूरा कर लिया. ठीक है अभी इसको बंद कर देते हैं टीवी को और वापस रूम तक तो पहुंचते हैं कैसी तैसे करके. जी गाइस कैसी तैसे करके अपन पहुंच तो गए हैं अपने रूम विच. गाइस घुमा तो दिया है, घूम गया क्या ये, इसके अंदर क्या होगा भाई. ये तो देखने के लिए ब्लाइंड फोल्ड हटाना पड़ेगा है ना. मैं हटाती हूँ एक मिनट. इसके अंदर लिखा है इफ़ यू क्रिएट एनी मेस यू हैव टू क्लीन इट विदाउट मूविंग ब्लाइंड फोल्ड फ्रॉम योर आइज. अगर मैं किसी भी डेयर के अंदर कोई भी मेस कर देती हूँ, मान लो कुछ करते हुए कुछ मैंने गिरा दिया कर दिया या कुछ भी उल्टा सीधा हो गया, तो मुझे उसको वापस से सही करना पड़ेगा. या फिर मान लो मैं पानी भरने जा रही हूँ, मेरे से पानी गिर गया तो मुझे बॉटल, तो मुझे पानी गिरा है उसको साफ करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल दिया मैंने, तो कोई भी चीज़ में अगर मैं मेस कर देती हूँ तो मुझे करनी पड़ेगी वो चीज़. ठीक है सो यस अब अपन घुमा लेते हैं नेक्स्ट डेयर है ना. घूम गया क्या, एक यार पट्टी हटानी पड़ेगी यार डेयर के लिए, तो हटानी पड़ेगी ऑब्वियसली. इसके अंदर आया है यू कैन रिमूव ब्लाइंड फोल्ड फॉर लगाना था फॉर होल एडिटिंग फॉर एडिटिंग योर्स इफ यू कैन रिमूव ब्लाइंड फोल्ड फॉर, मतलब जब तक मेरी एडिटिंग कंप्लीट ना हो, ये शायद ये कहना चाह रहा हूँ जब तक मेरी एडिटिंग कंप्लीट ना हो तब तक मैं ब्लाइंड फोल्ड उतार सकती हूँ, मतलब एडिटिंग करते टाइम मैं अपना ब्लाइंड फोल्ड उतार सकती हूँ. सो यस अब अगर अपने पास में ये लाइफ लाइन आई है तो या लेट्स डू एडिटिंग. एंड वैसे तो मेरे को थंबनेल बनाना है, तो एडिटिंग तो नहीं करनी, थंबनेल बनाना, थंबनेल बनाती हूँ मैं उसके बाद में विल कंटिन्यू. गाइज मैंने कर ली है, मतलब मैंने निपटा ली है थंबनेल बनाने वाला जितना भी काम था उसको निपटा लिया है. अब अपन घुमाते हैं दोबारा से अपना जो स्पिन द व्हील है उसको. गाइज मैंने 4 बार जो स्पिन द व्हील घुमा लिया, मैं बस 4 बार और घुमा सकती हूँ, उसके बाद में मैं नहीं घुमा सकती हूँ. सो यस दैट इज़ वॉट एक्चुअली द रूल इज़. अभी मैं एक और बार उसको घुमाती हूँ, अगर डर आया तो मैं उसके अंदर मम्मी की हेल्प नहीं ले सकती, उसके बाद में मम्मी की हेल्प ले सकती हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड है ना, इसको घुमाते हैं. एक सेकेंड में हटा लेती हूँ ये. इसके अंदर आया है आस्क योर मॉम टू प्ले 5 songs जस्ट फॉर 30 seconds एंड यू हैव टू गेस एनी 2 फ्रॉम देम एल्स यू वोंट गेट एनीथिंग टू ईट फॉर 3 hours. तो ये कह रहा है कि मेरे को मेरी मम्मी को बोलना है, मम्मी आपको मेरे लिए 5 song प्ले करने हैं. ठीक है 30-30 सेकंड के लिए प्ले करना है आपको, मतलब एक सॉन्ग 30 सेकंड के लिए आपको प्ले करना है. और मेरे को कोई उनमें से आप 5 गाने प्ले करोगे, मेरे को उनमें से कोई भी 2 गैस करने हैं. ठीक है अगर वो दोनों सही हुए तो ठीक है अपन नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, अगर वो गलत हुए तो आप मेरे को खाना मत देना अगले 3 घंटे के लिए. आप YouTube खोलो और उसके अंदर पंजाबी सॉन्ग की कोई प्लेलिस्ट चला दो
तो उसमें से ढूंढते हैं, मतलब नॉर्मल सर्च कर दो पंजाबी प्लेलिस्ट और फिर एक कोई भी चला दो वीडियो, उसमें से मैं गेस करूँगी कि मेरे को कौन कौन से गाने पता है, क्योंकि पंजाबी गाने ही मेरे को मैं सुनती हूँ, मैं दूसरे गाने सुनती नहीं हूँ। तो उनमें से देखते ही पता चल जाएगा कि मुझे कितने पंजाबी गाने पता है, कितने पंजाबी गाने नहीं पता, क्योंकि मैं पंजाबी पंजाबी करती रहती हूँ ना। देखते हैं मुझे पता है कितने पता है कितने नहीं पता है। 15 सेकंड चलाना। नेक्स्ट कर दो। तेरे नाल चली हसीन कोई ना, तारे चने अमर जमीन कोई ना, वाली आएगा ना, वाली है नाम गाने। ठीक है, एक गैस कर लिया मैंने, दूसरा गाने मैंने गैस कर लिया। ठीक है, मेरे को नहीं पता है गाना, नहीं पता। नेक्स्ट गाना गाना है ना, पानी दी की गल कर दे थानू को कपलारांगे, पानी दी गल है और जिस इंसान ने सखिया गाया उसी ने ये गाना गाया है, मनिंदर गुड। नेक्स्ट पे जाते हैं गाइस। वैसे मैंने है ना दो गाने गैस कर लिए, तो मेरे को बाकी सुनने की जरूरत नहीं, बाकी मेरे जो दो बज रहे हैं, मतलब मैंने तीन गानों में से दो गाने गैस कर लिए है, तो यस मैं जीत गई हूँ। कोई डेयर नहीं करना पड़ेगा उसके साथ, मुझे डेयर था, मेरे को डेयर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने 5 गानों में से 2 गाने मतलब पता कर लिए। दैट वॉज इट। अब नेक्स्ट स्पिन करते हैं, लेट्स गो गाइस। मम्मी ने इसको स्पिन कराया ना, अब देखते हैं अपने पास में क्या आता है, डेयर आता है या फिर लाइफ लाइन आती है। भाई साहब पूरा दिन निकल गया है। क्या आया? गो एंड ड्रिंक वाटर। ओ भाई, मेरे को ब्लाइंड फोल्ड लगाते हुए मेरे को बाहर जाके पानी पी के आना है, मतलब जो अभी मैंने बॉटल भरी थी उसमें से मैं पानी पी के आती हूँ। तो हाँ चलो लेट्स गो। तो पहुंच गए क्योंकि जस्ट आई। गाइस आई एम डन ड्रिंकिंग वाटर ब्लाइंड फोल्ड के साथ में। ये वाला डेयर भी कंप्लीट हो चुका है, अब वापस से चलते हैं अपने रूम के अंदर। हेलो भाई गाइस, वापस अपनी जगह आ गई है, अपनी वापस जगह पे आ गई। अब तो आदत हो गई यार, 10 बार जाके आ गई बाहर। अरे मैं आपको मैं सही बताऊँ ना, तो अब ये लास्ट के अंदर बचे हैं 4। ठीक है, और लास्ट में 4 ही बचने चाहिए थे, क्योंकि जैसे टोटल थे 8+4 12, इसके अंदर डेयर्स प्लस लाइफ लाइन्स थी, तो इसके अंदर मेरे को 8 बार घुमाना था। 8 बार तो हमने अपन ने घुमा दिया, फिर 4 ही बच्चे हैं लास्ट में। ये 4 ही बच्चे हैं लास्ट में, क्योंकि हमने इसको 8 बार घुमा दिया, तो मैं अब इसको घुमा भी नहीं सकती। क्योंकि अब अगर मैं घुमाऊंगी भी तो आएगा डेयर, जिसमें से कोई भी मैं डेयर स्किप कर सकती हूँ, है ना। हाँ तो इतने कर तो यस, अब लाइफ लाइन एंड में जाके आई है, स्टार्टिंग में आनी चाहिए थी लाइफ लाइन तो। पर चलो यस, दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो, क्योंकि जैसे मतलब सबसे ज़्यादा मज़ा आया सॉन्ग वाले के अंदर, क्योंकि मैंने और जिसमें मैंने ब्लाइंड फोल्ड करके जो मैंने तारक मेहता चलाया उसमें मेरे को मज़ा आया। सो आप लोग मेरे को बताना कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया। एंड यस, दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई विल कैच यू गाइस इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट डाउन बिलो कि मैं अगला चैलेंज कौन सा करूँ। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।